ये हमने अपने विभाग के कमर्शियल टैक्स का जो है वाणिज्यिक कर आबकारी विभाग और रजिस्ट्रेशन विभाग उसके कार्यों की समीक्षा की। सर, अभी सरकार ने जो है अगर फिर से बाजार से कर्ज लिया है, वो तो लेते रहते हैं, उसमें सर क्या लगभग है। 5200 करोड़ का कर्ज हो चुका है सरकार के अरे पास। कितना भी हो जाए उससे क्या होता है, सर किस क्या तरह है क्या है, आप पहले समझ तो लो होता क्या है, ये कर्जा क्या होता है, डेवलपमेंट क्या होता है, कहाँ खर्च करते हैं, किस प्रदेश के ऊपर कितना कर्ज है, कर्ज कैसा होता है, अच्छा होता है बुरा होता है, कर्ज किस लिए लिया जाता है, पूंजीगत कार्यों के लिए अगर कर्जा लिया जाता है और व्यय किया जाता है वो बुरा नहीं होता है, और हमने कर्ज लिया है और आगे और ज़्यादा कर्ज लेंगे, हमें कर्ज लेने में कुछ नहीं है। और भारत सरकार की जो डायरेक्टिव्स हैं जिसमें हमारा जो GSDP होता है उसका हम 3.5% तक राशि ले सकते हैं, पहले 3% तक, ये लगभग 20,000 करोड़ रुपया हम इस वर्ष कर्ज के रूप में ले सकते हैं। ये हमें अधोसंरचना विकास के लिए, सड़कों के निर्माण के लिए, सिंचाई के डैम बनाना है, पुल पुलिया बनाना है, स्कूल बनाना है, हॉस्पिटल बनाना है, बिजली की व्यवस्था करना है, इन सब के लिए हम खर्च करते हैं। और इसलिए हमारे ऊपर अभी 1,14,000 करोड़ रुपए का है। इस वित्तीय वर्ष में हमने 1,500 और 1,000 2,500 करोड़ रुपए का कर्ज लिया है। अभी हम बहुत ज़्यादा कर्ज और लेने वाले हैं, परंतु ये सब पूंजीगत व्यय होगा जो प्रदेश के बेहतरी के लिए और प्रदेश की जनता की बेहतरी के लिए होगा। सर, जैसा भी आपने कहा कि रिसोर्स की कमी है, आय सीमित संसाधन है मध्य प्रदेश, तो कर्ज कैसे चुकाएंगे? यार तुम सीख लो बेटा, पहले सीख नहीं, लो कैसे पूछे जाते प्रश्न, नहीं पर सर, हमसे पता बता, है क्या बताए तुमको, कुछ पता ही नहीं है तो हम तो क्या सर, अभी बात आपने थोड़ी देर पहले कहा था कि आय के करें संसाधन नहीं है मध्य प्रदेश में, सीमित है। सब जगह होता है, दुनिया का कोई भी देश नहीं है ऐसा जो कर्ज लेके विकास ना करता हो, हमारे देश में एक भी प्रदेश नहीं है ऐसा जो कर्ज ना लेता हो। कर्ज लेके चुकाने की स्थिति ये है, कांग्रेस के जमाने में जो राजस्व की आय होती थी उसका 21% तक उन्हें ब्याज के रूप में देना पड़ता था, अब जो हम कर्ज ले रहे हैं हम सस्ता कर्ज ले रहे हैं और हमें अपने राजस्व की वसूली का 8% ही वापस करना पड़ता है, जो कि हम लगातार बिना कोई रुके वापस कर रहे हैं। आया समझ में?